नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, शतक पूर्ति के अवसर पर हम आज का यह विशेष धर्म संवाद का हमने आयोजन किया है। कल हमने इस धर्म संवाद के शुरू करने के पूर्व हमारा उद्देश्य क्या था इसके बारे में हमने जानकर लिया, और इस धर्म संवाद के माध्यम से हमने अभी तक जो अलग अलग विषय यहाँ पर लिए थे उसके बारे में इसकी आवश्यकता किस प्रकार से थी और इसके माध्यम से समाज को क्या संदेश देना हम चाहते थे इसके बारे में हमने संतों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करवा कर ली। आज भी हम इसी प्रकार से जो अलग अलग विषय इस धर्म संवाद के कार्यक्रम में हमने लिए थे इसका उद्देश्य क्या था, इसके ऊपर उपाय क्या है और इसे सर्वसामान्य जनता ने किस प्रकार से हमें कार्य करना चाहिए, यह जानकारी लेने हेतु आज का यह विशेष धर्म संवाद शतक पूर्ति के अवसर पर हमने ये ले रहे हैं। यह धर्म संवाद के कार्यक्रम करते समय हमें सभी दर्शकों से बहुत ही उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिला। आपने हमें कुछ प्रश्न भी पूछे, आपने शंकाएं उपस्थित की और आपके सुझाव भी हम तक आए, इसके लिए हम सभी आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। आज हम इस धर्म संवाद के माध्यम से जो हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था थी इसमें किस प्रकार से एक प्रकार से समस्याएं निर्माण करने का प्रयास किया गया और इसके ऊपर उपाय योजना क्या है, ऐसे अलग अलग विषयों में हम आज जानकारी लेने वाले हैं। हमारे साथ हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी दिल्ली से जुड़े हैं तथा वाराणसी से पूजनीय नीलेश सिंहबाजी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उपस्थित संतों के चरणों में कृतज्ञतापूर्वक वंदन करता हूँ। सर्वप्रथम मैं सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी के पास जाना चाहूँगा। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, राष्ट्र व धर्म की वर्तमान दुस्थिति के बारे में बताते समय आपने आधुनिक शिक्षा पद्धति, साम्यवाद का बढ़ता प्रभाव आदि कारण बताए। यह स्थिति बदलने के लिए क्या कार्य करना होना चाहिए अभी की स्थिति में, इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी कार्तिक जी, कोई भी अगर हमारे सामने समस्या आती है तो उसका मूल क्या है, जड़ क्या है, यह अगर हम समझकर नहीं लेते हैं तो उसका उपाय भी परिपूर्ण नहीं होगा। तो जब तक हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था को जो षड्यंत्रपूर्वक सदोष बनाने वाले हैं, वे व्यक्ति को मूलतः हम नहीं जानते, उनके मानसिकता को हम नहीं जानते या उनके इस जड़ को नहीं जानते कि किस विचार और हेतु से उन्होंने ये किया है, तब तक इस समस्या का योग्य उपाय नहीं होगा। यानी हमें किससे लड़ना है, किसके ऊपर उपाय करना है, यह पता चलेगा तो हम इसमें परिवर्तन करने के लिए आसानी से प्रयास कर सकते हैं। अब ब्रिटिश आधिपत्य में भारतीय शिक्षा व्यवस्था को जो विकृत करने का एक षड्यंत्र रचा गया था, तो आज स्वतंत्रता के बाद भी वही पाठ्यक्रमों में, हमारे अभ्यासक्रम में, स्कूलों में चल रहा है, यह एक सबसे पहले बड़ी शोकांतिका है। और यह जो ब्रिटिश के बाद भारत स्वतंत्रता के बाद भारत में चल रहा है, यह एक अत्यंत षड्यंत्र के स्तर पर प्रचारित किया जा रहा है, यह हमें समझने की आवश्यकता है। इन पाठ्य पुस्तकों द्वारा जो प्रचारित किया जाने वाला इतिहास है, उस इतिहास की सत्य असत्यता को हमें जानना होगा। अगर हमें ये पता चलता है कि यह असत्य और झूठा, ये वामपंथी लोगों ने अपने हिसाब से तरोड़ मरोड़ कर पेश किया हुआ अगर ये इतिहास है, तो उसके संदर्भ में सही तथ्य देकर हमें उस झूठे इतिहास का खंडन करना पड़ेगा तथा ये झूठा इतिहास बदल करने के हेतु हमें सरकार को बाध्य करने के लिए उतने ही सशक्तता से हमें प्रयास भी करना होगा। आज पाठ्यक्रमों में हिंदू विरोधी तथा काल्पनिक और झूठी जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी या डार्विन का उत्क्रांति का जो सिद्धांत है या और हिंदू धर्म में जातिवाद आदि है, ऐसे जो पढ़ाया जाता है, उन सभी झूठे
बातों को कहीं तो बंद करने की मांग हमें करनी होगी। अब भारत में प्रॉब्लम क्या है कि हिंदू धर्म में जाति है करके प्रचारित किया जाता है, और जो हिंदू व्यक्ति है उसको उसकी जात धर्म सभी पूछा जाता है। मगर वैसे देखें तो क्रिश्चियनों में भी जाति और पंथ है, इस्लाम में भी जाति और पंथ है। क्रिश्चियन का देखें तो सबसे बड़ा जो कट्टर उनका एक मिशनरी प्रसारक है वो कैथलिक है, फिर प्रोटेस्टेंट है, फिर ऑर्थोडॉक्स है, फिर प्रेसबेरियन है, फिर इवांजेलिकल है। तो ऐसे अनेक प्रकार के जो क्रिश्चियन में भी सेक्ट है, और मूलतः इनके आपस में इतने झगड़े और फसाद है, तो क्रिश्चियन होने के बाद भी एक दूसरे को वो सपोर्ट नहीं करते। भारत में जब ये डच आए, फ्रेंच आए, इंग्लिश आए, पुर्तगीज आए, तो ये एक दूसरे के ऊपर, ये चर्च एक दूसरे के ऊपर अपना वर्चस्व जमाने के प्रयास में आए थे। वो समन्वय आपस में नहीं था। फिर फ्रेंच को भागना पड़ा, फिर डच को भागना पड़ा, पुर्तगाल केवल दमन या गोवा में मर्यादित रहे, और अंग्रेज फैल गए थे। तो उनमें भी जातिवाद और आपसी झगड़ा है, मगर इनकी नोन भारतीय इसमें केवल क्रिश्चियन करके ली जाती है, और उनके उपपंथ या उनके जाति को वो पूछा नहीं जाता है, और केवल भारतीय जाति को ही पूछकर एक विभाजित करने का प्रयास किया जाता है। इस्लाम में भी वैसे ही है, वहाँ पे शेख है, मुगल है, या पठान है, या इस तरह की उनमें आपस में जातियाँ भी है, और उसी के साथ कोई तगलीबी होता है, कोई सुन्नी है, कोई शिया है, कोई अहमदिया है, तो इस तरह के उनमें भी अलग अलग प्रकार है, और वो एक दूसरे के ना तो मस्जिद में जाते हैं, ना तो एक दूसरे के दरगाह पे जाते हैं, और उनमें आपस में बड़ा टकराव रहता है। मगर एक बड़ा झूठा और प्यारा चित्र भारत में बनाया कि जातियवाद केवल हिंदुओं में और क्रिश्चियन और इस्लाम में तो कोई जातियवाद नहीं है। मगर शोकांतिका मैं यह बताना चाहता हूँ कि तमिलनाडु में जो हमारे पिछड़े वर्ग के जो धर्मांतरित हुए थे, क्रिश्चियन हुए थे, तो सबसे पहले तो वो सफ़ेद गोरी चमड़ी के क्रिश्चनों का अलग वहाँ पे दफन भूमि थी, और भारत के जो कन्वर्टेड काले थे उनकी अलग दफन भूमि थी। और इसमें भी फिर भारत में जो उच्च वर्णियों से कन्वर्टेड क्रिश्चन थे उनकी अलग दफन भूमि थी, और पिछड़े वर्गों से जो धर्मांतरित क्रिश्चन थे उनके लिए उन्होंने अलग दफन भूमि बनाया। तो काफ़ी क्रिश्चन लोग वापस हिंदू धर्म में इसलिए आए थे कि कम से कम हिंदू धर्म में तो हमारी दफन भूमि एक थी, इतना हमारे साथ भेदभाव नहीं किया जाता जितना तमिलनाडु में ये धर्मांतरित क्रिश्चनों के साथ किया जाता है। तो ये जो झूठा प्रचारित किया जा रहा है कि हिंदुओं में जातीयवाद है और बाकी सब एकदम एक है, तो ये झूठी बात का कहीं ना कहीं खंडन करने की आवश्यकता है। भारत के जो ऋषि मुनियों ने गणित के संदर्भ में हो, भूगोल के संदर्भ में हो, कुछ सिद्धांत अपने आध्यात्मिक बल और अध्ययन या ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर सिद्धांत उन्होंने समाज के सामने रखे थे, तो उनके ये अनादिकाल से 1000-2000 वर्ष पूर्व के जो सिद्धांत है, वही सिद्धांत जब भारत से पहले अरब देशों में गए, फिर अरब देशों से यूरोप में गए, और इस काल में जब भारत से अरब देशों में गए, उस समय मुगल और इस्लामिक आक्रांताओं का भारत पे वर्चस्व चल रहा था, और उसके बाद भारत पर क्रिश्चियन आक्रांताओं का वर्चस्व चल रहा था, तो इस काल में वह ज्ञान परंपरा पहले अरब देशों और फिर यूरोप में गई। तो भारत जब अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा था, लड़ रहा था, ये मुगलों के आक्रमण में स्वयं का अस्तित्व बचाने के संघर्ष में था, तब यूरोप ने क्या किया 16वीं, 17वीं, 18वीं शताब्दी में, उनका न्यूटन हो, पाइथागोरस हो, तो इन्होंने ये सब संशोधन किया है और उन्होंने ये सिद्धांत रखे हैं, ऐसे बताकर भारतीय ज्ञान को अपने यूरोपियन व्यक्ति के नाम पर उन्होंने प्रचलित करके उनके नाम पर वह ज्ञान परंपरा का एक मान सम्मान ले लिया। तो यह जो झूठ भारत में पढ़ाया जा रहा है, कम से कम भारत में पहले यह झूठा पढ़ाना बंद करके ये सिद्धांत हमारे ऋषि मुनि के कैसे थे, और वो ये न्यूटन पाइथागोरस के कितने सैकड़ों साल पहले भारत में यह प्रचलित थे, यह सत्य भी भारत को बताने की आवश्यकता है। और इतनी नहीं तो पूरे विश्व को यह बताने की आवश्यकता है कि ये जो झूठ अपने नाम पर आप खपा रहे हो, तो वो झूठ का पर्दाफाश करके ये आप इसका श्रेय भारतीय ऋषि मुनि को दीजिए और सत्य समाज के सामने रखे, ऐसे विश्वभर में भी हमको मांग करने की आवश्यकता है। और इसलिए मैं यहाँ पर एक महत्व का सूत्र आपको बताना चाहूँगा कि हिंदू जनजागृति समिति ने इस क्षेत्र में एक बड़ा पहल और बड़ा कार्य करने का प्रयास किया है, और हमें काफ़ी क्षेत्र में इसके बारे में छोटा छोटा क्यों न हो हमें यश मिल रहा है,
और इसके लिए हम ईश्वर के प्रति हमारे गुरुदेव जी परत गुरु जो डॉक्टर आठवले जी हैं इनके चरणों में अत्यंत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें यह समस्याओं के बारे में अवगत करके इसके दुरुस्त करने के लिए हमें प्रेरणा दिया था। एनसीईआरटी के पुस्तकों द्वारा जो इतिहासों के पुस्तकों में मुगल राजाओं को जो महिमा मंडन हो रहा था, तो यह जो महिमा मंडन है यह झूठा है, इसको कहीं तो यहाँ से हटाने की आवश्यकता है, इसका प्रचार जो चल रहा है वो बंद करने की आवश्यकता है, तो इसके लिए भी हमने एक अभियान हमने चलाया था। उसके विरुद्ध जो दूसरी बात है कि हमारे जो स्व परंपरा स्वदेश का जो गौरवशाली इतिहास था उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी, महाराणा प्रताप, झांसी रानी से लेके जो हमारे वीर पराक्रमी योद्धा थे, इतना ही नहीं तो दक्षिण के विजयनगर साम्राज्य के हरिहर बुक्काराय हो या नीचे चोला वंश हो या इस तरह के जो हमारे वीर और पराक्रमी योद्धा थे, तो उनका इतिहास इस पुस्तक में लिया ही नहीं है। आज ऐसी स्थिति है कि भारत के युवकों को हजार वर्ष में हमारे वीर योद्धाओं ने कैसे संघर्ष किया, 800 वर्ष के आसपास मुगलों के साथ कैसे संघर्ष किया, आखिरी 200 वर्ष पूर्णता ये ईसाइत और क्रिश्चनी मिशनरियों के साथ यानी अंग्रेज़ों के साथ कैसे संघर्ष किया है, तो यह इतिहास बताया ही नहीं जा रहा है। क्योंकि वस्तुतः जब अरब देशों में इस्लाम गया तो 35 से 50 वर्ष में अरब के पूरे देश मूल संस्कृति अपना इतिहास परंपरा को भूलकर 100% धर्मांतरित हो गए थे। जब यूरोप में ईसाइत गई थी तो 35 से 50 वर्ष में यूरोप के संपूर्ण देश अपनी मूल संस्कृति परंपरा को सबको भूलकर वे पूर्णतः ईसाइत हो गए थे। तो यानी ये आक्रांताओं की तलवार की धार और इतनी धूर्तता इतनी थी कि यूरोप और अरब देशों के बड़े बड़े देश, बड़ी बड़ी संस्कृतियाँ 50 वर्ष से अधिक वहाँ टिक नहीं पाई थी। इस पार्श्वभूमि पर 800 वर्ष मुगलों के साथ संघर्ष करके, 200 वर्ष अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष करके, ईसाई मिशनरियों के विरोध में संघर्ष करके 1947 में भारत में 87% हिंदू होना, यह हिंदुओं के संघर्ष की गाथा, ये वीरता की पराक्रम की गाथा है, वो सिखाने की आवश्यकता है। यह न सिखाते हुए जो मुगल का महिमा मंडन चल रहा है कि वे कैसे उदार थे, तो इसी को कहीं तो बदलने की आवश्यकता है। एक समय था जब हमारे ये इतिहास के पुस्तक में जो स्वातंत्र हमारा समर चल रहा था ब्रिटिशों के विरोध में, उसमें जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव या चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे जो आदि क्रांतिकारी थे, उन्होंने जो एक गर्म दल के माध्यम से भारत को स्वतंत्रता मिलाने के लिए जो प्रयास किया था, तो उनको स्वतंत्र भारत में आतंकवादी कहा जा रहा था और उनको आतंकवादी करके इतिहास में पढ़ाया जा रहा था। इतनी बड़ी विडंबना ये वामपंथी इतिहासकार और ये जो सेक्युलर राज्यकर्ता है और ये कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने नाम तो गांधी का लिया मगर काम वामपंथ का किया, नाम गांधी का लिया काम नेहरू का किया, तो ये जो गांधी के विचारों के खून करने वाले पार्टियां हैं, सेकुलर पार्टियां हैं, इन्होंने इन गर्म दल के क्रांतिकारकों को आतंकवादी कहकर पाठ्य पुस्तकों में सिखाने कर हमारे क्रांति गाथा को विडंबन करने का प्रयास किया। इसके विरोध में कहीं तो कदम उठाना चाहिए ऐसे हमारे ध्यान में आया और हिंदू जनजागृति समिति ने इसके विरोध में एक जनजागृति का अभियान छेड़कर सरकार और शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा व्यवस्था के विरोध में एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया और यह विकृत पाठ बदलने के लिए सरकार को हमने बाध्य किया था। अब आपके मन में विचार आया होगा कि समिति ने तो संगठित तौर पर यह प्रयास किया था, तो हम अपनी जगह से हम क्या कर सकते हैं? तो मैं आप सबसे यही आह्वान करना चाहूँगा कि आप प्रत्येक परिवार अपने बच्चों की पुस्तकें ज़रूर पढ़िए, चाहे वो प्रथम कक्षा में हो या 10वीं कक्षा में हो, और उसमें जो आपको अनुचित लगता है, जो हमारे इतिहास को कलंकित करने वाला, हमारा परंपरा संस्कृति धर्म को एक विडंबनात्मक या विकृत करने वाला लगता है, तो वह समझकर उसके विरोध में सरकार को पत्र लिखना चाहिए, उसके विरोध में आक्षेप उठाना चाहिए। इसी के साथ ऐसे अगर आपके ख्याल में आते हैं तो आप हिंदू जनजागृति समिति के कार्यकर्ताओं को यह बताकर व्यक्तिगत तौर पर प्रयास करते समय हम संगठित तौर पर भी इसके विरोध में कैसे प्रयास करें, इसके लिए भी हम प्रयास कर सकते हैं। शिक्षा तज्ञ तथा हिंदू संगठनाओं को अगर इस विषय में आप अवगत कराते हैं
तो हम सब मिलकर अगर इसके विरोध में अगर आंदोलन खड़ा करते हैं तो वर्तमान में कोई भी, चाहे वामपंथी सरकार हो, सेकुलर सरकार हो, या हिंदू विरोधी विचार मत वाली सरकार हो, जागरूक और संगठित हिंदुओं के सामने वे इस तरह का झूठा और विकृत इतिहास आगे के समय में नहीं पढ़ा सकेगी, इतना मैं निश्चित आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। मगर इतना ही नहीं, यह करके हमें चुप नहीं रहना है। तो अंग्रेज़ों ने भारतीय शिक्षा पद्धति ध्वस्त करने के लिए हमारे यूके के मन से स्वशिक्षा, स्वसंस्कृति, स्वधर्म, स्वपरंपरा, स्व इतिहास के बारे में एक न्यूनगंडता, हीनता का भाव जागृत करने के लिए जो मैकलो प्रणीत शिक्षा व्यवस्था अंग्रेज़ों ने निर्माण किया था और भारत को बर्बाद करने का षड्यंत्र किया था, और 1947 के बाद सेकुलर कांग्रेस ने, वामपंथी समर्थक नेहरू ने वही मैकलो शिक्षा आगे शुरू रख के शिक्षा के और इतिहास के सब सूत्र जैसे वामपंथी लोगों के हाथ में सौंप दिया था। तो इन सब बातों का विरोध करने की हमें आवश्यकता है। यह शिक्षा व्यवस्था बदलकर हमारी प्राचीन पारंपरिक गुरुकुल व्यवस्था को लागू करने के लिए हमको सभी को अभी संगठित प्रयास करने की आवश्यकता है। तो इसलिए मैं आप सबको यही विनती करना चाहता हूँ कि आइए हिंदू भाइयों, आप जागरूक हो जाइए। हमारे बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, ये मैकलो प्रणीत शिक्षा व्यवस्था जारी रख के कैसे अंग्रेज़ों की गुलामी की मानसिकता की नीति भारत में जारी है, ये वामपंथ लोकतंत्र का खून करके कैसे वामपंथ को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। तो ये सब का पर्दाफाश करके हमें अपने स्वतंत्र और स्वराज्य स्थापना के लिए कदम उठाना होगा, पहल करनी होगी। आप अपना नाम चैट बॉक्स में डालिए, अपना नंबर दीजिए, हम सब मिलकर एकत्रित आकर इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। कार्तिक जी, हमें सबको अभी एकत्रित होकर आगे जाने का समय आया है, ऐसे मुझे लगता है। जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने यहाँ पर हमें, हमारे दर्शकों को जो मार्गदर्शन किया है, इससे हम सभी को ये ध्यान में आया होगा कि हमारी भारत की जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था थी, इसको किस प्रकार से षड्यंत्र पूर्वक ध्वस्त करने का प्रयास किया गया। 800 वर्ष निरंतर मुगलों ने इसको ध्वस्त किया, उसके उपरांत अंग्रेज़ों ने इसको नष्ट करने का प्रयास किया। लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पद्धति स्वतंत्रता के उपरांत हम सभी पर थोप दी गई, यानी गांधी जी के नाम पर इस कांग्रेस शासन ने किस प्रकार से साम्यवाद का और नेहरू के वामपंथी विचारधारा का प्रचार हमारे ऊपर किया, और हमारे ऊपर ये जो गलत शिक्षा पद्धति थी उसको थोप दिया, और हमारे हिंदू विचारधारा, हमारे क्रांतिकारक, हमारा प्राचीन इतिहास, सब कुछ इसमें से नष्ट कर दिया गया। इसके लिए हम सभी को संगठित होना पड़ेगा, इसके लिए संघर्षरत होना पड़ेगा, और संवैधानिक मार्ग से हम जो जो प्रयास कर सकते हैं उसके लिए निरंतर हमें इसके लिए प्रयत्न करने होंगे। यह आपकी बातों से हमें ध्यान में आया। मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, यदि आप इस राष्ट्र निर्माण के कार्य में सहभाग लेना चाहते हैं तो आप अवश्य हिंदू जनजागृति समिति से संपर्क कर सकते हैं। अपना नाम, संपर्क क्रमांक एवं अपने जिले का नाम आप अपने कमेंट बॉक्स पर अवश्य शेयर कीजिए। ऐसे में आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा। मैं पूजनीय नीलेश सिंघबा जी के पास जाना चाहता हूँ। पूजनीय नीलेश सिंघबा जी, धर्म संवाद के अंतर्गत हमने एक संवाद का कार्यक्रम लिया था जिसमें भावी आपातकाल और आगे की दिशा, इस विषय पर आपने हमें मार्गदर्शन किया था। परंतु अभी हम वर्तमान की जो कोरोना की ये जो स्थिति अभी हम पर आई है, ये जो संकट आया है पूरे विश्व पर, ये तो रुकने का कोई लक्षण ही दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इस पार्श्वभूमि पर आप हमारे जिज्ञासुओं को, हमारे दर्शकों को क्या मार्गदर्शन करेंगे? जी कार्तिक जी, कोरोना जैसी महामारी हो या अन्य कोई भी नैसर्गिक आपदा हो, हर कोई अपने अपने ढंग से उसका कारण ढूंढने का प्रयास करता है। यदि कोई वैज्ञानिक हो तो अपने उसके बारे में तर्क बताते हैं कि आपदा क्यों आती है, इसका परिणाम क्या हो रहा है। इसमें कोई पत्रकार हो तो पत्रकार अपने तर्क लगाते हैं। पर हमें इस कार्यक्रम से लोगों का ध्यान आपदा के आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य की ओर मोड़ना है, क्योंकि हर जो घटना होती है इसके पीछे कोई ना कोई तो आध्यात्मिक कारण भी होता है। क्योंकि बिना आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य समझे हम ना आपदा को समझ पाएंगे और ना ही उसका कारण समझ पाएंगे। अब ये जो सृष्टि का संचालन होता है, ये सृष्टि का संचालन किसी सरकार या
या कोई आर्थिक महासत्ता के द्वारा नहीं होता है। सृष्टि का संचालन परमात्मा के द्वारा होता है। और इस संचालन का विज्ञान यदि हम नहीं समझेंगे तो वैश्विक संकट को और उसके समाधान को कैसे समझ पाएंगे। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में सृष्टि तथा उसके संचालन के विषय में स्थूल के साथ साथ सूक्ष्म अध्ययन स्पष्ट रूप से बताया गया है, उसकी जानकारी दी गई है। कौशिक पद्धति नामक एक ग्रंथ में आपातकाल के कारण का वर्णन किया है। अतिवृष्टि अनावृष्टि शलभा मुषका शुका स्वचक्रम परचक्रम च सप्तयता इतिहास स्मृता। इस श्लोक का अर्थ यह है कि राज्यकर्ता धर्मनिष्ठ ना हो तो प्रजा धर्म पालन नहीं करती है। प्रजा ने धर्म पालन न करने के कारण अतिवृष्टि अनावृष्टि यानी अकाल पड़ना, टिड्डी दलों का आक्रमण होना, चूहे या तोतों का आक्रमण होना, उपद्रव होना, एक दूसरे के साथ अंदरूनी लड़ाइयां आरंभ होना और शत्रु देश का आक्रमण होना, इस प्रकार के सात संकट राष्ट्र पर आते हैं। तात्पर्य यही है कि प्रजा एवं राजा दोनों भी धर्मपालक एवं साधना करने वाले होने चाहिए, तभी आपातकाल की तीव्रता अल्प होकर आपातकाल सुसह्य होता है। तो कुछ आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य की ओर हम ध्यान देंगे, इसे समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले होता है योगों का काल चक्र। हमारे यहाँ काल महिमा के बारे में बताया गया है और हमारे यहाँ शास्त्रों में सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इसे चार युगों का वर्णन किया गया है। वर्तमान काल में कलयुग के अंतर्गत चल रहे पांचवें कलयुग के अंत का समय आ चुका है। इसके बाद कलयुग के अंतर्गत का एक छोटा सा सतयुग भी आएगा, लेकिन हमें ध्यान में ये रखना चाहिए कि अभी का समय छोटे कलयुग का अंत है और कल के अवतार के समय के कलयुग का नहीं है। दूसरा एक आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य है, वो है उत्पत्ति, स्थिति और लय का, यानी युग परिवर्तन। ये ईश्वर निर्मित प्रकृति का एक नियम है। जो भी वस्तु उत्पन्न होती है वो कुछ समय के लिए रहती है और बाद में उन वस्तुओं का नाश हो जाता है और नष्ट हो जाती है। इसे उत्पत्ति, स्थिति और लय ये नियम कहा गया है। उदाहरण के रूप में हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति हुई, वो कुछ काल तक रहेगी और अंत में नष्ट भी हो जाएगी। इसका अर्थ यह है कि जब इस विश्व के किसी भी वस्तु की उत्पत्ति होती है, कुछ समय तक वो रहती है और पश्चात ये अपेक्षा कर सकते हैं कि किसी एक क्षण वो नष्ट भी होगी, तो केवल निर्माता अर्थात ईश्वर ही चिरंतन एवं अपरिवर्तनीय है, ये बात हमारे ध्यान में आती है। इस नियम के अनुसार अभी का समय काल चक्र में एक परिवर्तन का समय है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आपत्तियों से प्रकृति अपना संतुलन बना रही है। इसमें समझना होगा कि आपत्तियों से जो भी कुछ नष्ट हो रहा है उसके अनेक मार्ग हैं। इसमें एक मार्ग है प्राकृतिक आपदाएं। नाश की इस प्रक्रिया में मानव जाति भी व्यभिचार यानी अपने गलत आचरण एवं आचरण के द्वारा अपना 70% योगदान भी देता है, जो युद्ध के रूप में भी सर्वनाश लाता है। यानी इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो प्राकृतिक आपदाएं वगैरह आती हैं, इसमें मानव जाति भी अपने व्यभिचार और आचरण से इसका बड़ा योगदान देता है, वो उसका प्रमाण 70% है। इसमें उत्पत्ति, स्थिति, लय यानी विनाश, इस काल चक्र के नियम के अनुसार रजतम गुणी यानी जो पापी लोग होते हैं, उन सभी पापी लोगों के जो प्राण है उनके प्राणों की हानि अधिक प्रमाण में होगी। इससे वातावरण की एक प्रकार से शुद्धि ही होने वाली है। इस काल का उल्लेख अनेक भविष्यवक्ताओं ने भी अपने भविष्यवाणियों में किया गया है। अब दूसरा होता है मनुष्य का कर्म और समष्टि प्रारब्ध।
अब प्रारब्ध क्या है समझने के लिए हम मनुष्य का प्रारब्ध कैसे होता है समझने का प्रयास करेंगे। वर्तमान कलयुग में मनुष्य का 65% जो जीवन है वो प्रारब्ध के अनुसार व्यतीत होता है और 35% जो जीवन है वो अपने क्रियमाण कर्म यानी कर्म करने के स्वातंत्र के अनुसार वो व्यतीत होता है। 35% क्रियमाण उसमें उसके द्वारा हुए अच्छे और बुरे कर्मों का फल जो है वो प्रारब्ध या भाग्य के स्वरूप में उसे भोगना पड़ता है इस जीवन में। वर्तमान में धर्म शिक्षण और धर्माचरण के अभाव के कारण इसमें समाज के अधिकांश लोगों से स्वार्थ बढ़ा हुआ है और स्वार्थ या बढ़ते तमोगुण के कारण समाज राष्ट्र और धर्म की हानि और इस प्रकार का कार्य हो रहा है। ये गलत कर्म पूरे समाज को भुगतने पड़ते हैं क्योंकि समाज उसकी इन सभी चीजों की ओर अनदेखी करते हैं। इसी प्रकार समष्टि के बुरे कर्मों का फल भी प्राकृतिक आपदाओं के रूप में सहन करना पड़ता है। जैसे आग में सूखे के साथ गीला भी जल जाता है उसी प्रकार से ये हमें समझना चाहिए। तो इसी प्रकार समाज राष्ट्र और धर्म का भी एक प्रारब्ध होता है और उस प्रारब्ध को समष्टि प्रारब्ध माना गया है। समाज में आध्यात्मिक अपवित्रता बढ़ने के कारण 2013 से 2023 इस कालखंड में मनुष्य जाति को कठिन समष्टि प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। आज विश्व के आपत्तियों का कारण कहीं ना कहीं हमारे अनुचित व्यवहार का ये परिणाम ही है। लोग पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों का बिना सोचे समझे दुरुपयोग करते हैं। अनेकों को पता होते हुए भी वो अनुचित व्यवहार करते हैं क्योंकि उनका अहंकार और स्वार्थ उनको समाज का विचार करने ही नहीं देता। तीव्र अहंकार तथा स्वार्थी वृत्ति होने के कारण वे प्रकृति मनुष्य तथा अन्य जीवों को कष्ट देकर अधिकतर समय केवल अपने लिए ही सुख जुटाने में व्यतीत करते हैं। सरकारें कितना भी प्रयास करें कानून बना ले लेकिन व्यक्ति स्वयं अपने समाज ऋण को जब तक नहीं पहचानेगा तब तक परिवर्तन होना असंभव है। समाज में लोग प्रकृति और समाज का विचार करते हैं ऐसे बहुत चुनिंदा लोग हैं और उनके जीवन में हम अगर झांक कर देखेंगे तो वे धर्माचरण करने वाले दयालु स्वभाव के सभी के प्रति प्रेम रखने वाले ऐसे ही लोग होते हैं। उनके व्यवहार में भी व्यापकता होती है। उनका आचरण हम सबको लोक कल्याण के कार्य करने के लिए प्रेरणा देने वाले होते हैं। उन्हें अधर्म का परिणाम पता है। कानून के दंड से भी अधिक प्रभावी है व्यक्ति का आत्मसंयम और वो केवल धर्म को समझने से और उसको जीवन में उतारने से आ सकता है। हम आपातकाल को रोक नहीं सकते परंतु इस आपदा के परिणाम सौम्य करने का तथा स्वयं की रक्षा करने के लिए प्रयास हम अवश्य कर सकते हैं। आपातकाल के दृष्टिकोण से हमें क्या क्या तैयारियां करनी हैं? जैसे आपातकाल में चक्रवाती तूफान आते हैं, भूकंप आदि के कारण बिजली की आपूर्ति बंद हो जाती है, पेट्रोल डीजल आदि ईंधनों की और बहुत सारी चीज़ों की किल्लत होने के लिए आरंभ हो जाता है और ऐसी किल्लत होने से यातायात की जो व्यवस्था है ये भी रुक जाती है। उसके कारण हमारे घर तक पहुंचने वाले रसोई का गैस हो, खाने पीने की वस्तुएं हो, कई महीने तक मिलना मुश्किल हो जाता है, मिलना कठिन हो जाता है और फिर भी उनकी नियंत्रित आपूर्ति उस समय हमारे लिए की जाती है लेकिन वो भी कभी कभी पहुँचने में बहुत दिक्कत आती है। आपातकाल में डॉक्टर वैद्य औषधियाँ चिकित्सालय आदि की उपलब्धता होना लगभग हमारे लिए असंभव हो जाता है। ये सब ध्यान में लेते हुए आपातकाल का सामना करने के लिए सभी को शारीरिक मानसिक पारिवारिक आर्थिक और आध्यात्मिक इत्यादि स्तरों पर पूर्व सिद्धता यानी तैयारी करना
बहुत आवश्यक है। और इन दर्शक मेरे हमारे दर्शकों को हम फिर से एक बार बताना चाहेंगे कि आगामी काल में आने वाले भीषण आपत्तियों से रक्षा होने के लिए अच्छी साधना करना और भगवान का भक्त बनना आवश्यक है। इसके लिए अभी से सभी प्रयत्न आरंभ करें। जी पूजनीय नीलेश सिंगमा जी, आपने हमारे दर्शकों को यह जो संकट आया है कोरोना का, तो इसके बारे में आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य क्या है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को आपने बताया, और इसी के साथ आने वाला जो महाभीषण आपातकाल है उस विषय में हमें किस प्रकार से पूर्व सिद्धता करनी चाहिए, ये हमारे दर्शकों को बताया। मैं सभी से ये अनुरोध करना चाहूँगा, यह जो महत्वपूर्ण विषय हमने धर्म संवाद में लिया है, इसके बारे में यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए हो तो आप हिंदू जागृति इस यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारे प्लेलिस्ट से आप यह सभी जो कार्यक्रम है इसको आप पुनः देख सकते हैं, अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। इस आने वाले आपातकाल की दृष्टि से हम आप सभी के लिए यह मालिका बहुत ही मार्गदर्शक होगी। मैं सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी के पास जाना चाहता हूँ। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, मुस्लिम आक्रांताओं ने हमारे गुरुकुलों को नष्ट करने से भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर आघात हुआ, लेकिन क्या केवल आक्रमण ही कारण था या अन्य भी कुछ कारण थे, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। कार्तिक जी, मुस्लिम आक्रांताओं ने हमारे गुरुकुलों को नष्ट करने का जो प्रयास किया उससे भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर आघात तो हुआ है, मगर उसके साथ अन्य बहुत सी कारणें भी है जिसके वजह से हमारी शिक्षा व्यवस्था पर परिणाम होते गया। क्योंकि प्रारंभिक चाहे बौद्ध काल हो, तो उसके पहले भारत में सर्वत्र वैदिक काल ही प्रचलित था। वैदिक काल में सब तरफ जो विद्यालय विश्वविद्यालय और शिक्षा व्यवस्था थी वो वेदों से लेके तो सभी तरह के जो पारंपरिक विज्ञान हो, अर्थनीति हो, शिक्षा हो, धातु विज्ञान हो, खगोल शास्त्र हो, ज्योतिष शास्त्र हो, कला हो, साहित्य हो, इसी संदर्भ सभी संदर्भ में विषय चल रहे थे। मगर वैदिक काल को थोड़ा सा ग्रहण लगने के बाद कुछ राजाओं ने, हिंदू राजाओं ने बौद्ध मत स्वीकार किया था। अब बौद्ध मत स्वीकार करने के बाद ये जो वैदिक परंपरा के जो स्कूल और विश्वविद्यालय थे, अब वो बौद्ध परंपरा के राजाओं के हाथ में जाने के बाद उस शिक्षा व्यवस्था में बौद्ध धर्म के भी धर्म शिक्षा के कुछ प्रावधान शुरू होकर विद्यालय विश्वविद्यालयों पर बौद्ध पद्धति का भी संस्कार होना प्रारंभ हुआ। 5वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक करीब करीब 700 वर्ष के काल में बौद्ध राजा के अधीन जो शिक्षा पद्धति में जो विश्वविद्यालय थे उन्होंने शिक्षा दान का कार्य जारी रखा था। अब बौद्ध काल में भी शिक्षा में साहित्य, दर्शन, कला, व्यापार, कृषि आदि पाठ्यक्रम उच्च स्तर पे उसी तरह से जैसे वैदिक काल में चल रहा था उसी आगे सिखाते रहे थे, और उसके साथ कुछ बौद्ध धर्म के संदर्भ में या बाद में कुछ जैन परंपरा में जो राजा परावर्तित हो गए उसके कारण कुछ जगह जैन पंथ के विषय में भी अभ्यासक्रम पाठ्यक्रम में शुरू हुए थे। अब बौद्ध विश्वविद्यालयों में छात्रों के संस्कार, आचरण तथा उनकी आध्यात्मिक विकास, इन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता था, तथा जो वैदिक परंपरा में प्रश्नोत्तर हो या वाद विवाद हो उसके माध्यम से जो ज्ञान देना या ज्ञान परंपरा जारी रखना होता था, उसी प्रकार बौद्ध काल में भी ज्ञान ग्रहण और ज्ञान दान की परंपरा आगे शुरू थी। परंतु 700 वर्ष के दीर्घ काल में धीरे धीरे जैसे बौद्ध मत का प्रभाव कम होने लगा और पुनश्च वैदिक काल का उदय होने लगा, तो बौद्ध विश्वविद्यालय में जो कार्यान्वित जो उनके अनुयायी थे, तो वे गौतम बुद्ध के जो बताए गए मूल सिद्धांत थे, तो उन सिद्धांतों का पालन करना या उन सिद्धांतों का अनुकरण करना, ऐसे उनसे धीरे 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 कम होते गया। यानी कर्म से, आचरण से बौद्ध धर्म के अनुयायी है वह खंडित होने लगे, उनका प्रमाण कम होने लगा। इन बौद्ध विश्वविद्यालयों का एक वैशिष्ट्य भी था, जैसे हमारे वैदिक परंपरा में शिक्षा व्यवस्था में हम छात्रों के संस्कार, आचरण एवं उनके आध्यात्मिक विकास पर विशेष ध्यान देते हैं, उसी धरती पर इन विश्वविद्यालयों में भी
छात्रों के इन तीनों विकासों पर ध्यान दिया जाता था तथा हमारी परंपरा में जिस तरह से प्रश्नोत्तर हो या वाद विवाद हो इसके माध्यम से ज्ञान ग्रहण की एक परंपरा चालू थी वह भी इन विश्वविद्यालयों में शुरू ही थी। परंतु 700 वर्ष के जो दीर्घ काल में गौतम बुद्ध ने जो मूलभूत सिद्धांत बताए थे उसका पालन करना उनका अनुकरण करना जैसे जैसे कम होते गया, बौद्ध धर्म का प्रभाव समाज के ऊपर से कम होते गया या फिर से हिंदू धर्म की परंपरा के लोगों ने स्वीकार करना शुरू किया राजा हटने के बाद, तो उसका परिणाम शिक्षा व्यवस्था पर भी हुआ और धीरे धीरे बौद्ध मत का प्रभाव भी इन शिक्षा या महाविद्यालय के इकाइयों से कम होते गया। इन समय में दूसरा एक जो बात हुई कि बौद्ध राजा आने के बाद अहिंसा तत्व ज्ञान के ऊपर अधिक जोर देने के कारण जो सर्वसामान्य लोगों को एक सैनिक शिक्षा देने की आवश्यकता होती थी तो उस सैनिक शिक्षा की उपेक्षा इन विश्वविद्यालयों ने किया था। राजाओं ने बौद्ध मत धारण करने के बाद गौतम बुद्ध के अहिंसा तत्व को स्वीकारने के बाद अपनी प्रजा के रक्षा हेतु राष्ट्र के रक्षा हेतु सैनिक निर्माण हो प्रजा को युवकों को सैनिक की शिक्षा मिले उसकी योजना न बनाने के कारण सैनिकी शिक्षा से समाज वंचित रहा। बौद्ध काल में अस्त्र और शस्त्र का निर्माण हो उसके संदर्भ में अनुसंधान हो उसकी विकास हो उन्नति हो ये सब प्रक्रिया बंद हो चुकी थी और सैनिक शिक्षा भी बंद अस्त्र शस्त्र विकास की प्रक्रिया भी बंद होने के कारण एक समाज में ऐसी स्थिति हुई कि व्यक्ति स्वयं का प्रतिकार करने की स्थिति में नहीं थे। और ऐसे जब स्थिति भारत भूमि पर आई थी ऐसे समय में इस्लामी आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किया और भारतीय सेना दुर्बल थी शस्त्र अस्त्र विकसित नहीं थे पुरातन या पारंपरिक थे और राज्य भी सैनिकी बल के आधार पर वो कमज़ोर बन चुके थे तो आक्रांताओं से रक्षण करने की योजना ही राजाओं के पास नहीं थी और इस कारण मुस्लिम आक्रांताओं की छोटी छोटी भी टोलियाँ आई और उन्होंने भिक्षुओं की हत्या करना शुरू कर दिया विश्वविद्यालयों का विध्वंस शुरू किया उनकी जो संपदा थी चाहे उनकी इमारतें हो या उनका समृद्ध ग्रंथालय हो उसको ध्वस्त करके जलाने का एक बड़ा पाप ये लोग करना शुरू कर दिया। और परिणाम क्या हुआ उसका कि भारत कई शताब्दी तक इस्लामी शासकों का आक्रांताओं का गुलाम बन के रह गया। तो वैदिक काल के बाद जब बौद्ध काल आया अहिंसा के तत्वज्ञान का प्रभाव पड़ा सैनिकी शिक्षा देना बंद हुआ और अस्त्र शस्त्र का अनुसंधान और विकास करना कम हुआ ऐसे इसमें इस्लामी आक्रांता है और हजारों वर्ष की वीरता की गौरवशाली परंपरा की जो एक विरासत हमें मिली थी तो कहीं ये गुलामी के दौर भारत में शुरू हो गए। अब आक्रांताओं ने आकर स्थानिक लोगों को पराजित करके धीरे धीरे अपनी सत्ता कायम करने के लिए उनके प्रयास शुरू हुए और मध्यकालीन इतिहास में धीरे धीरे भारत के एक बड़े प्रदेश पर इस्लामी शासन प्रारंभ हुआ। 12वीं से 16वीं शताब्दी तक करीब करीब 400 वर्ष तक भारत में प्रमुखता अनेक राज्यों में बहुतांश भागों में इस्लाम की सत्ता का शासन स्थापित हो गया। इस कालावधि में उन्होंने ध्वस्त किए गुरुकुल तथा जो विश्वविद्यालय थे वे फिर से चालू करने की ना तो उनकी क्षमता थी और ना उन्होंने प्रयास किया था और राज्य मुस्लिम शासकों के अधीन होने के कारण उनका विचार भारत की जो पारंपरिक शिक्षा है या विश्वविद्यालय या विद्यालय उनको स्थापित करने के संदर्भ में नहीं थी किंबहुना इन पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था को उद्ध्वस्त करके उन्हें अपने इस्लामिक विचारों का प्रचार के हेतु जो उपयुक्त थी ऐसे शिक्षा व्यवस्था स्थापित करने का उनका प्रयास चल रहा था और इसलिए उन्होंने अपनी नई मुस्लिम शिक्षा प्रणाली की स्थापना भारत के भूमि पर प्रारंभ कर दिया। अब तक भारत भूमि में जो उत्पन्न तथा विकसित जो शिक्षा व्यवस्था थी और वहाँ की जनता जिनके लिए उपयुक्त और जो जिसकी मांग करते थे वो पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था अब हटकर भारत में एक विदेशी शिक्षा व्यवस्था का एक प्रारंभ हुआ उसका प्रतिरोपण करने का प्रयास शुरू हुआ था और इसका पहल करके मोहम्मद गौरी ने
सर्वप्रथम अजमेर में इस्लामी शिक्षा तथा परंपरा के प्रचार के लिए मदरसे एवं मस्जिदें बनवाना प्रारंभ किया। उसके बाद अन्य जो मुस्लिम शासकों थे उन शासकों ने भी मस्जिद और मकतबों का निर्माण प्रारंभ किया। और इतना ही नहीं तो ये निर्माण करने के बाद उनको सरकारी सहायता देकर उस शिक्षा को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया। तो एक तरफ पारंपरिक और भारतीय शिक्षा, बौद्ध शिक्षा, ये जो परंपरा थी वो ध्वस्त होना, उसको प्रतिस्पर्धा करके नई इस्लामी शिक्षा पद्धति की स्थापना होना, तो एक तरह से शिक्षा के पतन से भारत की मानसिक और वैचारिक गुलामगिरी की प्रारंभ यहाँ से शुरू हुआ। अब इस्लामी शिक्षा केंद्र की व्यवस्था क्या थी, कैसे थी, कैसे उन्होंने उसको प्रचलित करने का प्रयास किया, यह भी समझ कर लेना हमें आवश्यक है। यह केंद्र, शिक्षा के जो केंद्र थे इस्लामिक शिक्षा के, वे अधिकतर मस्जिदों से ही जुड़े हुए रहते थे और यह आवासीय नहीं होती थी। वो आकर जाकर ऐसी शिक्षा व्यवस्था थी, तो यहाँ आवास की व्यवस्था नहीं होती थी। अधिकतर जो मस्जिदों के मौलवी थे वही शिक्षक के रूप में इन विद्यालयों को चलाते थे। बिस्मिल्लाह इस उच्चारण के साथ शिक्षा केंद्र चालू होते थे और इस शिक्षा केंद्र में इस्लामिक धार्मिक तत्वों को ही प्राधान्यता दी जाती थी। वर्णमाला के अध्ययन के साथ कुरानों की आयता जो है उसको कंठस्थ बच्चों से कराई जाती थी, और ये कहते समय आयतों का अर्थ समझने की अपेक्षा उसके उच्चारण पर अधिक ध्यान दिया जाता था। इसलिए उसमें क्या लिखा है, उसका अर्थ क्या है, इसके बारे में अधिक चर्चा वहाँ पर नहीं होती थी। अब शिक्षा का माध्यम संस्कृत या पारंपरिक भारतीय भाषाओं छोड़कर अभी शिक्षा लेने का माध्यम फारसी भाषा की तरफ शिफ्ट हो गया था। और इस्लामी शासकों के परंपरा में उच्च स्तर की शिक्षा का अध्ययन लेने के लिए बहुत ही कम लोग आते थे, और अधिकांश जो लोग आते थे वो साक्षरता होनी चाहिए, कुछ प्रारंभिक शिक्षा ले लिया इतने उनके लिए काफ़ी था, बाकी वो शिक्षा के तरफ ज़्यादा कष्ट लेने की तैयारी उस समय नहीं थी उनकी। इससे क्या हो गया कि समाज में एक अंधविश्वास ही बढ़ने लगा। कई बाल विवाह प्रथाएँ प्रारंभ हो गई, कई पर्दा प्रथा अधिक प्रचलित होना शुरू हो गया, ऐसे अनेक कुरीतियों का भी प्रचलन समय समय के साथ बढ़ना शुरू हो गया। अब स्थानिक लोक भाषा की उपेक्षा करने का क्या परिणाम हुआ, शिक्षा का माध्यम अगर स्वभाषा है, स्थानिक भाषा है, तो क्या लाभ होता है, परंतु स्थानिक स्वभाषा न रखने के कारण क्या परिणाम हुआ, तो इस्लाम काल में अरबी या फारसी भाषा, इसी को उन्होंने राजभाषा बनाया था, और वो राजभाषा होने के कारण जिनको फारसी या अरबी भाषा आती थी ऐसे ही लोगों को राजपदों पर नियुक्त करने की उनकी परंपरा थी। और किसी को राजदरबार में या प्रशासकीय इसमें अगर कोई नियुक्ति चाहिए, नौकरी करना चाहता है, तो उसको इन भाषा में निपुणता होना बहुत आवश्यक था। अब इसका परिणाम क्या हो गया है कि जो स्थानिक भाषा थी उसकी उपेक्षा होने शुरू हो गई, उसके प्रचार या उसका विकास की जो अन्य संभावनाएं थी वह भी समाप्त होने लगी। और कुछ कालांतर के बाद क्या हुआ कि शिक्षा के माध्यम से हो या सामाजिक बोलचाल के माध्यम से हो, उर्दू भाषा को ही प्रोत्साहित किया जाने लगा। तो एक तरह से इस्लामी आक्रांताओं का शासन यह स्वभाषाओं पर एक आघात था, स्वभाषा के प्रचलन और विकास पर एक आघात था, और राजभाषा होने के कारण सर्वसामान्य की बोलचाल की भाषाओं पर प्रभाव करके अभी उर्दू को ही व्यापार किया, बोलचाल की भाषा बनाने के लिए जो एक बाध्य किया गया, तो इतना बड़ा एक परिणाम स्थानिक भाषाओं पर आक्रांताओं के राज्य स्थापित होने के कारण हुआ था। अब स्त्री शिक्षा के संदर्भ में क्या परिणाम हुआ, तो इस्लामी शिक्षा स्थापित होने के परंपरा में स्त्री शिक्षा की उपेक्षा शुरू हो गई। एक तो भाषा में परिवर्तन, और उस समय जब इस्लामी काल आया तो इस्लाम स्त्रियों के लिए पर्दा का बाध्यता थी, तो पर्दा प्रथा का प्रचलन बढ़ा था। पर्दा प्रचलन बढ़ने के कारण उन्हें शिक्षा के अवसर प्राप्त होना ही कम थे, और गैर मुसलमानों को पर्दा करके शिक्षा लेने के लिए बहुत से मर्यादा भी आ रही थी। मकतबों में छोटी लड़कियां पढ़ना लिखना सीखती तो थी, परंतु उनको उच्च शिक्षा लेना संभव ही नहीं था। राजकुलों के या उस समय के जो धनी परिवार थे तो उनकी बालिकाओं की जो शिक्षा व्यवस्था थी तो वो उनके घरों पर ही हो जाती, तो बड़े घरानों के बच्चियों को भी शिक्षा मिलना संभव होता था,
सर्वसामान्य स्त्रियां या बच्चियां शिक्षा से वंचित रहती थी। सामान्य परिवार अब शिक्षा से दूर जाने लगे और इसका एकंदरित परिणाम हो गया कि भारत में स्त्री शिक्षा उपेक्षित हो गई और स्त्रियां अशिक्षित रहने की एक नई परंपरा शुरू हो गई। तो स्त्रियां अशिक्षित रहने के पीछे जो सनातन धर्म को एक कुछ वर्तमान वामपंथी जो एक मिथ्या आरोप करते हैं या स्त्री शिक्षा प्रतिबंधित है या वेदों ने या ब्राह्मणों में स्त्री शिक्षा वंचित कहा गया, ये जो झूठा प्रचार चल रहा है, तो प्रत्यक्ष में इस्लामी शासनों के काल में ही स्त्रियों को शिक्षा से वंचित करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, यह हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। एक तरफ स्त्रियों की शिक्षा की हमने वंचितता देखी, मगर सामान्यतः इस्लामी शिक्षा का प्रचलन के बाद हिंदुओं के शिक्षा में उनके शिक्षा और साक्षरता में क्या परिणाम हुआ उसका भी अध्ययन करना आवश्यक है। अब जो समाज अपनी प्राचीन वैदिक परंपरा को मानता है, जिसकी आस्था मूर्ति पूजा और सगुण निर्गुण पर है, ऐसा समाज मकतबों में जाकर इस्लाम की सर्वोच्चता बनाने वाली शिक्षा ले कैसे सकते थे? वो तो मूर्ति पूजा को विरोध करने वाले, वेदों को विरोध करने वाले या हिंदू धर्म को हीनता या हिंदू धर्म के नाश के लिए जो आए थे, ऐसे इस्लामी आक्रांताओं की शिक्षा को तो लेना वो अपवित्र ही मानते थे। और मुस्लिम शासक केवल इस्लामी शिक्षा व्यवस्था के प्रचार के लिए सहायता करते थे। इसके कारण उन्होंने हिंदू शिक्षा पद्धति को ना तो प्रचलित किया ना तो बढ़ावा दिया, बल्कि उन्होंने उसकी उपेक्षा करके शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास किया था। तो इसका एकत्रित परिणाम ऐसे हुआ कि हिंदुओं की शिक्षा जो थी वो उपेक्षित होकर हिंदू शिक्षा से धीरे धीरे दूर जाने लगा। मध्यकाल में जो इस्लामी राजा थे, हम सबको पता है कि वो अपनी भोग विलास या उनकी जो विलासता थी उसके लिए लोकप्रिय थे। इसका परिणाम क्या हो गया कि मौलवी भी जो शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे थे तो वो अपने प्रयासों में बहुत कठोरता नहीं रखते थे, इसलिए इस्लामी लोगों को भी जो साक्षरता या उससे उच्च शिक्षा उन्हें मिलनी चाहिए थे वैसे भी कहीं दिख नहीं रहा था। तो परिणाम स्वरूप विद्यार्थी भी छात्रकाल में वैदिक तथा बौद्ध काल के समान शिक्षा लेने के लिए जो कठोर परिश्रम करते थे वो इस्लामी काल में और इस्लामी पद्धति की शिक्षा में विद्यार्थियों ने भी कठोर परिश्रम करना धीरे धीरे छोड़ दिया। इसका परिणाम क्या हुआ, राज्य में विद्रोह, हत्या, इतनी बातें बढ़ने लगी। मुस्लिमी शासक जो थे वो बार बार बदलना उनका शुरू हो गया। एक ही परिवार बच्चा है तो अपने पिता की हत्या कर रहा है, तो भतीजा है वो चाचा की हत्या करके सत्य हाथी आ रहा। तो राजा और शासक निरंतर बदलने की प्रक्रिया में शिक्षा की नीति भी स्थिर न होने के कारण शिक्षा व्यवस्था पर एक विपरीत और गंभीर परिणाम हुआ था, क्योंकि एक शासक आया और वो गया और फिर दूसरा शासक आया तो दूसरा आने वाला पहले शासक की शिक्षा व्यवस्था को बदल देता था और वो अपने हिसाब से नई शिक्षा व्यवस्था शुरू कर देता था। तो इसके कारण इस्लामिक काल में शिक्षा व्यवस्था सदैव अस्थिर रही और वो पतन के तरफ ही रही, ऐसे हमें दिखाई देता है। तो इन सभी दोषों के कारण मुस्लिम शिक्षा हतोत्साहित हो रही थी, उसको प्रचार होना संभव नहीं हो रहा था, उसका प्रचलन होना संभव नहीं हो रहा था, लोग उससे दूर दूर जा रहे थे। और ये शासनकाल में शिक्षा व्यवस्था में कई सारी अन्य विकृतियाँ भी प्रचलन होना शुरू हो गया। आज भी हम इन विकृतियों का प्रभाव अनुभव करते हैं, आज भी इन विकृतियों का प्रभाव हमारे शिक्षा व्यवस्था में हम देख सकते हैं। प्राचीन काल की जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था थी वो इन इस्लामी कार्यकाल में धीरे धीरे दुर्बल होने के कारण, जब बाद में अंग्रेज़ों के हाथ में भारतीय सत्ता के सूत्र हस्तांतरित होना शुरू हो गया, तो अंग्रेज़ों को भारतीय शिक्षा व्यवस्था सहजता से समाप्त करना, सहजता से नष्ट करना उनको संभव हुआ। मगर इतना होने के बाद भी आज 1947 के बाद अपने बलबूते भारतीय जो प्रज्ञा है, भारतीय जो बुद्धि है या भारतीय समाज है, वो पुनश्च इस राख से अंगारों की तरह पुनश्च उभर कर ऊपर आ रहे हैं। शिक्षा में वो धीरे धीरे आगे बढ़े हैं, अनुसंधान और शोध कार्य में आगे बढ़े हुए हैं। ये वामपंथी और सेकुलर कांग्रेस की नीति अगर भारत के अनुकूल होती तो जो हिंदुओं का पलायन दक्षिण से हुआ या ब्रेन ड्रेन पूरे भारत से होके
आज चाहे नासा हो या अमेरिका के आईटी सेक्टर हो या यूरोप या अन्य जगह के जो बुद्धिवादी क्षेत्र है जिसमें हमारे भारत के लोग जाके वहाँ शास्त्रज्ञ करके योगदान दे रहे हैं, वहाँ पे उच्च कोटि के अनुसंधानक या शोध कार्य कर रहे हैं, तो वे लोग अगर भारत से बाहर नहीं गए होते तो आज भारत की वर्तमान स्थिति में ही भारत विश्वगुरु और भारत सर्वोच्च सत्ता करके स्थापित हुआ होता। दक्षिण में जो सांप्रदायिकता के कारण जो हिंदुओं का उच्च वर्णियों का पलायन हुआ, हिंदुओं का ब्रेन ड्रेन हुआ है, जिसने आज अमेरिका और यूरोप को एक शिक्षा और अनुसंधान में उच्च स्तर पर लेके गया नासा को, वो स्थिति अगर भारत की होती तो आज भारत सर्वोच्च स्थिति में रहता था। तो आज हमको ये चक्र उल्टा घुमाकर पलायन किए हुए हिंदू को वापस भारत में एक स्थान देने की आवश्यकता है, उनको गौरव और सम्मान देने की आवश्यकता है। धन के लालच पर जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है तो उनको भारत में उतनी सक्षमता से सुविधा देकर उनमें राष्ट्रप्रेम जागृत हो, ऐसी शिक्षा व्यवस्था लगाकर हमें पैसा कम मिला तो चलेगा, हमें सुख सुविधा कम मिली तो चलेगी, हम मगर भारत में रह के भारत के माध्यम से हमारे राष्ट्र और धर्म का उत्थान करेंगे, ऐसे संकल्प लेने वाले नए पीढ़ी के निर्माण की आवश्यकता है और इसके लिए हम सब मिलके ज़रूर प्रयास करेंगे। कार्तिक जी जी, सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने जो विषय अभी हमारे सामने रखा है तो इससे यह बात हमें ध्यान में आयो कि आज तक के हमारे शिक्षा के इतिहास में हमें अभी तक यह जानकारी पढ़ाई नहीं गई है, हमारे युवाओं को इस प्रकार की शिक्षाएँ दी नहीं जा रही है और उसी का परिणाम आज हम देख रहे हैं कि हमारे हिंदुओं के मन से हमारे धर्म का विषय का स्वाभिमान ही पूर्ण रूप से कम हो गया है। आज हिंदू धर्म का आचरण नहीं कर रहे हैं, तो ये सच्चा इतिहास हमारे लोगों के मन में, हिंदुओं के मन में जाने के लिए हमें पुनः एक बार यह शिक्षा व्यवस्था का प्रारंभ करना होगा, गुरुकुल शिक्षा पद्धति का पुनर्स्थापना करनी होगी और इसके लिए जैसे आपने कहा है, सभी दर्शकों को मैं आह्वान करता हूं कि हम सभी को एकत्रित आकर यह मांग प्रशासन से करनी होगी। इसके लिए हमें दबाव निर्माण करना होगा, इसके लिए ही हमें हिंदू राष्ट्र की मांग करनी होगी, तभी यह शिक्षा पद्धति यहाँ पर शुरू हो सकती है और हमारे युवा पुनः एक बार भारत के नवनिर्माण का कार्य प्रारंभ हो सकता है। मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप इस राष्ट्र निर्माण के कार्य में पुनः इस शिक्षा व्यवस्था को लाने के लिए या पुनः हिंदू राष्ट्र लाने के लिए यदि आप इस कार्य में जुड़ना चाहते हैं तो आप अवश्य हिंदू जनजागृति समिति से संपर्क कर सकते हैं। मैं पूजनीय नीलेश सिंघवा जी के पास जाना चाहूँगा। पूजनीय नीलेश सिंघवा जी, भारत में आज सेक्युलरवाद की बातें की जाती है, परंतु सेक्युलर सरकारें मंदिरों का अधिग्रहण करती है। वर्तमान में उत्तराखंड की सरकार ने भी मंदिरों का सरकारीकरण करने का निर्णय लिया है, इसका कारण क्या है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी कार्तिक जी, आज के समय के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा हुआ है। जहाँ तक कि हिंदुओं के मंदिरों का सरकारीकरण का मुद्दा है, ये षड्यंत्र अंग्रेजी शासन काल में इसका आरंभ हुआ और इसके पीछे का मूल कारण ये था कि हिंदुओं को शिक्षा व्यवस्था से दूर रखा जाए। मुगलों के काल में हिंदुओं के मंदिर बार बार लूटे गए, उसके उपरांत भी राजाओं ने दान देने के कारण मंदिरों के पास संपत्ति होती थी। कश्मीर के शारदा मंदिर का द्वारका द्वारा शारदा पीठ तथा विश्वविद्यालय चलाया जाता था। इसी प्रकार से पश्चिम के देशों में ड्यूक, जॉर्ज टाउन, बायलर, नोटरडेम आदि कुछ विख्यात विश्वविद्यालय ईसाई चर्चों के द्वारा भी चलाए जाते थे। अंग्रेजों ने यह सोचा कि यदि भारत के समृद्ध मंदिर भी अपने स्वयं के विश्वविद्यालय बनाकर चलाना प्रारंभ करें तो ईसाई स्कूलों में कोई भी नहीं जाएगा और उनका पश्चिमी शिक्षा देने का षड्यंत्र असफल हो जाएगा। इस कारण अंग्रेजों ने षड्यंत्र पूर्वक मंदिरों का सरकारीकरण करने का आरंभ किया। उसमें मंदिरों का सरकारीकरण करना, मंदिर की संपत्ति, मंदिर की भूमि पर कब्जा किया, जिससे मंदिर अपने विद्यालय प्रारंभ नहीं कर सके, एक षड्यंत्र था। इसलिए अंग्रेजों ने पहले 1817 में मद्रास रेगुलेशन एक्ट 7 इसको लागू किया, परंतु
ईस्ट इंडिया के ईसाई अधिकारियों द्वारा हिंदू मंदिरों की व्यवस्था चालू होने के कारण ईसाई मिशनरी नाराज हो गए और उन्होंने इंग्लैंड में शिकायत की। उस कारण उसके बाद 1840 में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से सारे मंदिर हिंदुओं को लौटाने पड़े, लेकिन उन्होंने मंदिरों पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसके द्वारा नियंत्रण रखा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना करके मंदिरों पर फिर भी नियंत्रण रखा और 1863 में रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट इसके द्वारा सभी मंदिरों की पूर्ण व्यवस्था अंग्रेजी सत्ता को हिंदू ट्रस्टियों को हिंदू न्यासियों को सौंपनी पड़ी। लेकिन फिर से 1925 में उन्होंने दी मद्रास रिलीजियस एंड चैरिटेबल एक्ट पारित करके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के धार्मिक स्थल पर कब्जा करने का षड्यंत्र फिर से किया, परंतु इस कानून को मुस्लिम और ईसाई धर्मावलंबियों ने प्रखरता से विरोध किया। उनके आंदोलन होने लगे और इस कारण से अंग्रेजों ने इस कानून में सुधार किया और सुधार करके उसमें केवल हिंदुओं के लिए घोषित किया और उसका नाम था दी मद्रास हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एक्ट 1927, इसको पारित कर दिया। और 1935 में तो उन्होंने और भी कठोर कानून बनाया और ये कठोर कानून बनाकर सरकार किसी भी मंदिर को नोटिस देकर अपने कब्जे में ले सकती है, ऐसे अंग्रेजी सत्ता ने घोषित कर दिया। विभिन्न राजाओं के राज्य भी इसी प्रकार से उन्होंने अपने अधीन कर लिए, कब्जे में लिए और इसी प्रकार मंदिरों पर भी कब्जा किया। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत कुछ बदलाव नहीं हुआ, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और गोरे अंग्रेज यहाँ से चले गए और काले अंग्रेज जो है वो यहाँ पर आ गए और 1951 में हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1951 ये बनाकर मंदिरों को सेकुलर सरकार के द्वारा नियंत्रित करने के लिए मार्ग बनाया गया। सेकुलर शासन ने धार्मिक अधिनियमों के द्वारा हिंदुओं के मंदिरों की भूमि और संपत्ति को जब्त कर लिया। तो ये कितनी शर्मनाक बात है कि भारतीय मंदिर सेकुलर राज्य के द्वारा चलाए जा रहे हैं। हमें समझना चाहिए कि जब तक ये मंदिर शासन द्वारा शासित और प्रशासित रहेंगे, मंदिरों के द्वारा सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था करना संभव कभी भी नहीं होगा। यदि भारतीय संस्कृति को विश्व प्रक्रियाओं में अपना प्राकृतिक स्थान खोजना है तो मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की आज आवश्यकता है और इससे न केवल भारत की कलात्मक और धार्मिक परंपराओं के लिए बल्कि विज्ञान, प्रौद्योगिक और समाज की समकालीन समस्याओं के प्रति समर्पित मंदिर विश्वविद्यालय के विकास के लिए मदद हमें मिल सकती है। तो कार्तिक जी, जब तक ये मंदिर शासन द्वारा शासित और प्रशासित रहेंगे, मंदिरों के द्वारा सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था करना संभव नहीं होगा। यदि भारतीय संस्कृति को विश्व प्रक्रियाओं में अपना प्राकृतिक स्थान खोजना है तो मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की आज आवश्यकता है। इससे न केवल भारत की कलात्मक और धार्मिक परंपराओं के लिए बल्कि विज्ञान, प्रौद्योगिक और समाज की समकालीन व्यवस्थाओं के प्रति समर्पित मंदिर विश्वविद्यालयों के विकास में मदद मिलेगी। जी पूजनीय नीलेश सिंघवा जी, आपने जो जानकारी हम तक पहुँचाई है इससे भी यही बात हम सभी को ध्यान में आई कि मंदिरों का सरकारीकरण होना, इसके पीछे का मूल जो इसकी शुरुआत हुई थी वो अंग्रेजों के काल से शुरू हुई थी और इसका परिणाम यही था कि हिंदुओं को जब से शिक्षा व्यवस्था से, हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति से दूर किया गया, तब से यह मंदिरों का सरकारीकरण का षड्यंत्र शुरू हुआ है। और आज भी निरंतर इस सेक्युलर सरकार में भी, इस सेक्युलर आज के हमारे संविधान में भी इस प्रकार से यह कार्यवाही हो रही है और इसके लिए एक ही उपाय है कि हम सभी हिंदुओं को एकत्रित आकर हिंदू राष्ट्र की मांग करनी चाहिए और मंदिरों को सरकारीकरण से दूर रखकर उसका व्यवस्थापन भक्तों के हाथों में सौंप देना चाहिए।
बंधुओं, हमारे मंदिर हमारे शक्ति का, ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा के केंद्र है। इसके लिए मंदिरों के माध्यम से हमारी धर्म की शिक्षा का एक प्रसार बहुत बड़ी मात्रा में होना चाहिए और इसके लिए ही हम सभी को संगठित होकर इसके लिए प्रयास करना होगा। यह कार्य धर्म संस्थापना का कार्य है, भगवान श्री कृष्ण जी का कार्य है। इसके लिए मैं सभी दर्शकों से यह आह्वान करता हूँ कि इस धर्म संस्थापना के कार्य में आप सभी एकत्रित आकर संगठित रूप से प्रयास करें। इस धर्म संवाद के शतक पूर्ति के अवसर पर जो ये विशेष संवाद का हमने आयोजन किया है, इसका उद्देश्य यही है कि इस धर्म संवाद के माध्यम से एक सभी हिंदुओं के मन में एक बीज जाए और सभी एक संगठित रूप से हम यह राष्ट्र निर्माण का कार्य कर पाए और पुनः एक बार भारत को विश्वगुरु के स्थान पर लेके जाए, यही इस धर्म संवाद के कार्यक्रम के माध्यम से हमारा उद्देश्य है। मैं सभी दर्शकों को पुनः एक बार निवेदन और आह्वान करना चाहूँगा, यदि आप इस कार्य में जुड़ना चाहते हैं तो आप अवश्य हमारे आपकी जानकारी चैट बॉक्स पर दें। यह धर्म संवाद की मालिका सुनते समय यदि आपके कोई अभिप्राय है तो आप अवश्य हमें अभिप्राय हमें दे सकते हैं। आपके संपर्क में जो समिति समन्वयक हैं उन्हें आप दे सकते हैं या फिर अपने चैट बॉक्स पर आपके अभिप्राय आप हम तक निश्चित रूप से पहुँचाएँ। यह कार्यक्रम देखते समय हमारे दर्शकों में से भी अनेक लोगों ने हमें अभिप्राय दिए हैं, उसका एक वीडियो अभी हम यहाँ पर देखेंगे। नमस्ते, मेरा नाम दीपक है, मैं धनबाद झारखंड से हूँ। मैं और मेरा परिवार प्रतिदिन सत्संग सुनते हैं। जिस सत्संग सुनने से मेरे और मेरे परिवार में बहुत सारी लाभ हुए हैं और बहुत अच्छी अनुभूति भी हुई है। जैसे कि आप बहुत अच्छे संस्कार, आप में बहुत अच्छे संस्कार आने लगेंगे, बहुत अच्छी अनुभूति होने लगेगी, मानसिक तनाव दूर होने लगेगा। सो आप लोग अवश्य इस सत्संग से अवश्य जुड़िए। नमस्ते। धर्म संस्थापक भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से धर्म संवाद का शतक पूर्ति के अवसर पर आज का यह विशेष कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। इसीलिए मैं उपस्थित संतों के चरणों में और भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देता हूँ। नमस्कार।